डिजाइन एंड पूजा रूम 3 बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ 2 बेडरूम के साथ। यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, तो हम धीरे धीरे यहाँ पर जो वॉल है इसको हम ऐसे करेंगे, इसको हाईलाइट। इसके अंदर हमने 3 रूम यूज़ किया है, तो 3 रूम का जो मेज़रमेंट है और इसका जो पोजीशन है यहाँ पर हमने ऐसे ऐड किया है। इसका आउटर वॉल और इंटरनल वॉल यहाँ पर हमने 125 mm यानी 5 इंच का वॉल क्रिएट किया है, ठीक है। अगर आपको प्लान और डिज़ाइन में कुछ चेंज और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम पीछे साइड में 2 रूम यहाँ पर क्रिएट किया है। यहाँ पर इंटरनल पार्टीशन वॉल 125 mm, इधर भी 125 mm, और रूम यहाँ पर इसका जो मेज़रमेंट स्टैंडर्ड साइज यहाँ पर हमने क्रिएट किया है। इधर भी इंटरनल पार्टीशन वॉल इधर भी वॉल ऐसे हम क्रिएट करेंगे। फ्रंट साइड यहाँ पर हमने विंडो क्रिएट किया है, ऐसे विंडो क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पर तो डिज़ाइन ऐसे करने के बाद हम इसके अंदर डोर और विंडो ऐड करने वाले हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पर करना है इसका विंडो, नेक्स्ट यहाँ पर विंडो, यहाँ पर रेलिंग, यहाँ पर विंडो, इधर भी विंडो क्रिएट करेंगे। तो विंडो और वेंटिलेटर, तो यहाँ पर हमने रूम के साथ अटैच टॉयलेट, पूजा रूम, किचन, डाइनिंग, ड्राइंग, स्टेयर और एक हॉल रूम भी यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद हमें करना है यहाँ पर मेन जो डोर ऐसे क्रिएट, इधर भी ऐसे डोर क्रिएट करना है। डोर का जो ओपनिंग है यहाँ पर हमने जस्ट दिखाया है, नहीं तो आपको समझ भी नहीं आएगा डोर का ओपनिंग कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे डी सिंबल से हम डोर का ओपनिंग यहाँ के अंदर डी सिंबल यूज़ किया है, जिससे आपको डोर का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर हमने यूज़ किया है। ओके, यहाँ पर डोर, यहाँ पर जो मेन गेट, यहाँ पर मेन गेट, ओके। तो मेन जो एंट्री है इधर से एंट्री, इधर आप, ओके। तो इधर हम रेलिंग यूज़ करने वाले हैं, इधर भी रेलिंग, रेलिंग का अंदर हम येलो कलर ऐड करेंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिटेल्स हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो डिटेल्स क्या हैं, यहाँ पर बेडरूम, नेक्स्ट इधर बेडरूम, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर 11 feet 0 inch डिस्टेंस, यहाँ पर 10 feet 9 inch डिस्टेंस एंड इधर 14 feet 0 inch डिस्टेंस, इधर 14 feet 0 inch डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेजरमेंट यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर टॉयलेट प्लस लेट्रिन, यहाँ पर बाथ प्लस लेट्रिन, इधर बाथ प्लस लेट्रिन। देखिए 2 रूम के साथ 2 अटैच टॉयलेट एंड लेट्रिन, यहाँ पर बेडरूम,
इधर भी 11 फीट 0 इंच एंड 14 फीट 0 इंच डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इधर मेजरमेंट 5 फीट 0 इंच, सेम इधर भी रहेगा 5 फीट 3 इंच एंड 5 फीट 4 इंच डिस्टेंस सेम ही रहेगा, 1 इंच का डिफरेंस रहेगा। हो गया दो। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर लिविंग हॉल, यहाँ पर डाइनिंग एरिया, यहाँ पर किचन एरिया, यहाँ पर स्टेयर प्लस सिटिंग एरिया, ठीक है। यहाँ पर पूजा रूम, यहाँ पर बरामदा। तो ऐसे रहेगा इसका डिज़ाइन। ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो मेज़रमेंट पूजा रूम 4 फीट 0 इंच इधर डिस्टेंस, 6 फीट 11 इंच इधर डिस्टेंस। ओके नेक्स्ट देखिए इधर रहेगा 6 फीट 7 इंच इधर डिस्टेंस। ओके स्टेयर जो रूम है यहाँ पर 10 फीट 9 इंच टोटल डिस्टेंस, इसके अंदर से यहाँ पर 3 फीट वाइड। ओके यहाँ पर लैंडिंग, इधर भी लैंडिंग, इधर टोटल लेंथ 13 फीट 11 इंच। ओके यहाँ पर जो एरिया 6 फीट 0 इंच, तो किचन का जो स्लैब है ऐसे रहेगा, इधर एरिया 6 फीट 7 इंच, इधर एरिया एंड इधर डिस्टेंस मेजरमेंट 6 फीट बाई 4 फीट, इधर जो लेंथ 10 फीट 4 इंच, इधर लेंथ 11 फीट। ओके इधर लेंथ 10 फीट 9 इंच, इधर 12 फीट 6 इंच। तो हर जगह का जो मेज़रमेंट है यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर क्या मेज़रमेंट है देखिए 23 फीट और यहाँ पर 48 फीट, तो 23 × 48 फीट इज इक्वल टू 1104 स्क्वायर फीट। ओके यहाँ पर एरिया, तो इसका जो कॉलम है हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसका कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 नंबर्स कॉलम यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, ठीक है। तो एक एक कॉलम जो है यहाँ पर 12 बाई 10 इंच का कॉलम यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, इधर देखिए 10 बाई 12 इंच, यहाँ पर आउटसाइड वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल, इंटरनल वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल। ओके तो इसका जो टोटल कॉस्टिंग आएगा बिल्डिंग बनाने के लिए, यहाँ पर कॉस्ट टोटल कॉस्ट आएगा यहाँ पर 16 to 18 लाख रुपीस। तो ये था प्लान और डिज़ाइन। आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।